थैंक यू सो मच, थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो आज हूँ मैं तेजपुर में असम एंड दिस विल बी आर लास्ट डे इन असम। एंड दोज़ हू डोंट नो, आई एम ऑन ऑल इंडिया राइड विद 75 अदर बाइकर्स और उसमें से दो यहाँ पर ही है। तो ये हमारा रूम है, एक बार तो ये देख लो पहले। एंड ये यहाँ से व्यू। सो आज हम लोग जा रहे हैं तेजपुर से ईटानगर, मतलब आज असम छोड़ के हम लोग अरुणाचल में एंटर हो जाएंगे। एंड पिछले दिन आज मेरे हिसाब से लगभग 28वां दिन है हमारा एक्चुअली। तो आज की राइड भी कम होने वाली है, मतलब 160-170 किलोमीटर, कल भी इतनी थी। तो हम लोग ईटानगर जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा बाइक में प्रॉब्लम हुई थी, तो वो दशहरा की वजह से ठीक नहीं हो पाई। सो उसको आज करवाना है ऑन प्रायोरिटी। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, सभी को मेरा नमस्कार। सो नाउ वी आर रेडी टू लीव। और निकलने से पहले ही आज एक बीटी हो गई। ये फ़ोन पे लाइट आ गई है, गिर गया फ़ोन अभी। शुरुआत ही यार दिन की, मतलब बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो गया मेरा। चलो कोई नहीं, लेकिन ये है कि यार अभी 3 महीने निकालना ना, फिर ठीक भी तो नहीं होगा अभी कहीं। भाई साहब क्या क्या हो रहा है। सो तेजपुर से बाहर आ चुके हैं लगभग 7-8 किलोमीटर, और अब ये हाईवे और मेन हाईवे मिलेगा। यहाँ से ईटानगर प्रॉपर 210 किलोमीटर लिखा था पीछे, लेकिन हमने जो मैप पे चेक किया उस हिसाब से जहाँ जहाँ हमें जाना है 160-170 ऐसे कुछ किलोमीटर दिखा रहा था। तो वो तो चलो पता चल जाएगा आज पूरे दिन में, लेकिन यार आज मूड की ना थोड़ी हो गई। मतलब क्या, पावर बैंक में लगाया था मैंने, जेब में रखा था, रात को चार्ज करना भूल गया था फ़ोन, वो अटक के कहीं पे नीचे गिर गया। एंड इतनी बार गिरता है मेरा फ़ोन। आईफोन है तो वैसे बोलते नहीं होता कुछ, आईफोन वाले एप्पल बोलता है, बट आज गई स्क्रीन भाई, आज गई। डी डे था। लेकिन चलो सिर्फ लाइन आई है, भगवान की इतनी कृपा है, चला लेंगे अभी कुछ दिन जब तक ठीक नहीं होना पॉसिबल है। यहाँ पे केले के पेड़ बहुत है, बहुत ज्यादा केले के, और ये सुपारी के जो पतले पतले से दिख रहे हैं ना। ओ तेरी, ये देखो भाई, द माइटी ब्रह्मपुत्र। जगह जगह इसमें बीच में ना स्वर्ल्स है, मतलब जो भंवर बोलते हैं ना, तो इसीलिए इस पानी में जाना बहुत, मतलब स्विम करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप उसमें स्विम नहीं कर सकते हो। भंवर जहाँ पे होगा ना आपको नीचे खींच लेगा, वो तो जगह जगह पर है, वहाँ भी है, वहाँ भी है। बहुत बहुत ज़्यादा करंट है यार, बहुत ज़्यादा करंट है, गजब। इधर वो वाला रेलवे ट्रैक है पूरा, बीच में लोग नाव लेके फिशिंग कर रहे हैं शायद। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हेलो हेलो शिवम, हेलो भाई। यहाँ क्यों रुके हैं सब। ये देखो, ये
आज पहली बार देख रहा हूँ तामुन तामुन सुपारी सुपारी तो ये है ना। हाँ मतलब वही बात है, ये छीलने के बाद ऐसा निकलता है जो ये भाई ने छील भी दिया पैन में डाल के खाते हैं। हाँ तो तब तो सुखाएंगे इसको फिर ऐसे खा सकते हैं। इसको पूरा खोल के ऐसे नारियल से नहीं निकलते धागे धागे, वैसे फिर ये निकला और इसको फिर सुखाया पहले धूप में फिर खा लो। हमने तो डायरेक्ट वही देखे थे गोले गोले। तो आपको आज सुपारी के पेड़ भी दिखा दिए और सुपारी भी दिखा दी जैसे पेड़ में से निकलती है, तो बिल्कुल समझ लो नारियल का छोटा वर्जन है जो सुपारी तांबुल। मुझे नहीं पता था तो मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा देख के। ऐसे ही जब घूमते हैं तो नई नई चीज़ें दिखती है जो नहीं पता होती है या जिनको हम रेगुलरली देखते हैं लेकिन वो कहाँ से कैसे किस फॉर्म में आई है वो नहीं पता होता। अब यहाँ पर रोड्स ख़राब है, मतलब स्ट्रेच बहुत अच्छा है, बीच में जैसे कहीं पे थोड़ा सा ख़राब, तो इस वजह से स्पीड पूरी एकदम लो हो जाती है। मेरी बाइक में अभी आगे आवाज़ भी आ रही है यहाँ पे जो निकला हुआ है टूटा हुआ है, तो इसलिए भी मैं ऑफ रोड पे जहाँ पे भी थोड़ा बहुत जर्क होता है तो स्लो कर देता हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट कि ये पूरा निकल जाए और फिर कुछ हमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो। बस ईटानगर तक आज पहुँचा दे। अब हम लोग आ गए प्रॉपर 4 लेन हाईवे पर और ये देखो भाई क्या नज़ारा है दोनों तरफ। ओहो ब्यूटीफुल। अब ये रास्ता जा रहा है सीधा ईटानगर की तरफ, 31 किलोमीटर है यहाँ से ईटानगर, और जो हमारा लंच पॉइंट है दैट इज 35 किलोमीटर। ओपन रोड फुल थ्रॉटल। बादल देखो यार सामने के, तो कुछ इस तरह हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में हमारा एंट्री एंड वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। या आई टेक इट। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ वेलकम वी आर गेटिंग इन अरुणाचल प्रदेश। यही गेट है ईटानगर एंटर होने का। अमेजिंग वेलकम इनटू अरुणाचल प्रदेश। ओहो दिस इज नाइस। अच्छा अपना ही है क्या? हम कहाँ हैं? To the land of the rising sun। ये कहाँ की फोटो अपनी? उमेगा से उधर गांव बेस कैंप। भाई साहब क्या जबरदस्त वेलकम हुआ हमारा अरुणाचल प्रदेश में, आते ही इतना सही सम्मान हुआ, रोज दिया गया गिर गया यहाँ पे। ओ मज़ा आ गया मज़ा। अब यहाँ से बस 10-15 मिनट पर जो हमारा लंच पॉइंट है वो है, एंड अरुणाचल में घुसते ही ना मतलब अब ऐसा लग रहा है अरुणाचल में घुसते क्या, जहाँ से हमने अभी लेफ्ट टर्न लिया रोड देखते हो इतनी प्यारी जो मैंने आपको दिखाया अभी पीछे, वहाँ से मतलब ऐसा हो गया कि अलग जगह आ गए हम लोग बिल्कुल। सो
यही है द लैंड ऑफ राइजिंग सन। हम इसको एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। फिर आगे वाली ब्रेक बिल्कुल खत्म है अभी। ये है ना असली फन। ओहो हो कीचड़ ही कीचड़। भाई साहब ये तो बिल्कुल रॉ ब्यूटी है, रॉ ब्यूटी। ये देखो पिरामिड शेप के पहाड़। ओ भाई साहब हर जगह जाओ अलग अलग चीजें दिखती है, बिल्कुल अलग अलग चीजें। और पूरा पत्थर का पहाड़ है, उस पर पूरी घास वास सब उगी हुई है। बहुत सही है भाई, बहुत सही जगह है। तो इस जगह पे आके लग रहा है कि कहीं और ही आ गए, कुछ पता ही नहीं लग रहा। Amazing, beautiful man, beautiful। अब यहाँ पर AR दिखेगा, इससे पहले सारे AS नंबर दिख रहे थे, अब AR दिखेंगे। ये आ गए हम अपने लंच पॉइंट, जहाँ पर हम लंच करने वाले हैं। क्या नाम है भाई इसका? स्ट्रीम व्यू रिजॉर्ट चिंपू ईटानगर पापुम परे अरुणाचल प्रदेश। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। भूख भी लगी है, 2 बज गए। सो पार्किंग डन and this is the restaurant where we are having lunch. Welcome. Thank you. Welcome. Thank you so much. Everything you know is in your mind. तुम्हारा लंच टाइमिंग इतना बढ़िया था, इतना सही। जैसे ही अंदर गए वैसी बारिश स्टार्ट, मजा आ गया। और जैसी बाहर है बारिश बंद। सारा गीला हो गया, गले की वैसी बैंड बजी हुई और आइसक्रीम और खा ली। हाउ ब्यूटीफुल अरुणाचल इज मैन। कितना खूबसूरत लग रहा है यार, मतलब बहुत बहुत सही। और ऊपर जब बारिश हो रही है ना, मतलब अभी तो नहीं हो रही, हो चुकी है, तो उससे चीज़ें और ज़्यादा ग्रीन लग रही है। सो अब सीन कुछ ऐसा है कि बाकी सारे ग्रुप से हम लोग अलग हो गए हैं, क्योंकि मेरी बाइक में जो बेल्डिंग वाला काम है वो करवाना है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं, जहाँ पे वो मना कर रहे हैं कि हमसे नहीं होगा, और बेल्डिंग की दुकानें भी कम है यहाँ पे। तो इसमें दिक्कत क्या है कि पहले खुलवाना पड़ेगा सारा जो फाइबर का पार्ट है आगे का साइड का, और उसके बाद वेल्डिंग वाले के पास ले जाना पड़ेगा, वो इसको करेगा। सो दैट इज़ अ टास्क, नॉलेज सी कब होता है ये। ये देखो भाई साहब देसी जुगाड़, आंटी ने कैसे बांधा हुआ है बच्चे को। हेलो। तो ये अब हम पहुंच गए अपने आज के घर में,
और यहाँ पे आए सामान वगैरह रखेंगे और फिर जाएंगे बाइक को ठीक करवाने, क्योंकि सामान वगैरह लेके घूमने में कोई फ़ायदा नहीं है और प्लस बारिश भी हो सकती है कभी, तो सब गीला हो जाएगा। क्या नाम है? सईद। सईद, थैंक यू सईद भाई, एकदम जबरदस्त कर दिया उन्होंने तो, जैसा नए में चिपका था उससे बढ़िया चिपका दिया। तो सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है अब कि बाइक की प्रॉब्लम ठीक हो गई, और एक ये भी दुख हो रहा है कि अरुणाचल आए, ईटानगर आए और कहीं घूम नहीं पाए। मतलब जहाँ पे गया था ग्रुप, ऐसे ज़्यादा जगह नहीं गए लोग, लेकिन एक ईटा फोर्ट था और एक ऐसी जगह थी, तो कोई बात नहीं, घूमने तो फिर से आना ही पड़ेगा, क्योंकि अरुणाचल इतनी सुंदर जगह है ना कि पूरा कवर करने के लिए आपको बहुत सारा टाइम चाहिए, मतलब महीना तो कम से कम चाहिए, और मतलब डिटेल में घूमना पड़ेगा। वो तो आज देख के पता लग गया कि भाई नहीं, क्यों बोल रही है भाई तू तो फिर डिटेल में इसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे अरुणाचल को। अब हम लोगों को कल यहाँ से जाना है। आज बाइक की एक तो प्रॉब्लम ठीक हो गई, वेल्डिंग हो गया, मैंने उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी जो फेयरिंग है खुलवाने की इसी की स्टोरी तो ये था कि उसकी फेयरिंग खुलवानी थी, तो वो हर कोई नहीं खोलने को तैयार था, तो जो हमारी मैकेनिकल टीम है उन्होंने खोला, फिर मैं वेल्डिंग करवा के आया, फिर उसको वापस लाया, तो अब वो आवाज़ नहीं आ रही है और सब फिट है। तो कल यहाँ से हम लोगों को जाना है लगभग 300 प्लस किलोमीटर्स, एंड बहुत लंबी जर्नी होने वाली है कल की, 12-13 घंटे की या उससे भी ज़्यादा। तो आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। हम लोग आज आए असम से, तेजपुर से, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, और कल हम लोग ईटानगर अरुणाचल प्रदेश से वापस जाएंगे असम, विच इज़ जोरहाट। तो असम से अरुणाचल, अरुणाचल से असम वापस, तो यही होगा। सो एंडिंग दिस वीडियो राइट नाउ राइट हेयर, मिलते हैं आप लोगों से कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।